एंड वेलकम अगेन दोस्तों। भाई साहब पागलपन देखने को मिल रहा है, मतलब लोग यार इस ठंड में सुबह सोते हैं या फिर आराम करते हैं क्योंकि भाई नहीं उठा जाता। लेकिन भाई डंकी मूवी के लिए लोगों ने ये आराम भी, ये सुख चैन भी त्याग रखा है। लोग सुबह 3:30-4 बजे से उठकर थिएटर में जा रहे हैं, वो भी इस ठंड में। भाई दिस इज द सॉलिड अचीवमेंट भाई शाहरुख खान, मतलब इस साल भाई शाहरुख खान का ही रहा है ये साल। 2 मूवी पहले ही ब्लॉकबस्टर दे चुके हैं और डंकी के लिए फिर ऐसा रेस्पॉन्स मिलना, जबकि सामने सालार है और कल इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी चली है वो अलग। भाई साहब बॉयकॉट के नारे चलाए गए हैं लेकिन बावजूद इसके लोग भर भर के प्यार दे रहे हैं और मूवी के रिव्यू भाई बहुत पॉजिटिव आ रहे हैं। लोग मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि यार चीज ठंड के टाइम पर चलो ठीक है इक्का दुक्का कोई सनकी पागल होंगे जो जाएंगे, लेकिन भाई बहुत लोग सुबह से ही जा रहे हैं क्योंकि स्लॉट्स नहीं मिल रही हैं, सीट्स नहीं मिल रही हैं और सुबह जाके उन्होंने पहले ही हाथ मार लिया है और ज़बरदस्त मतलब मूवी के रिव्यू बड़े पॉजिटिव आ रहे हैं। अभी ना एक्साइटमेंट और बढ़ने वाला है, मैं बस जस्ट निकलने ही वाला हूँ। एक्साइटमेंट बहुत ज़बरदस्त बढ़ गया है कि भाई मूवी को लेकर, जो अभी तक मूवी को हेट कर रहे थे, जो अभी तक मूवी को क्रिटिक्स कर रहे थे, उन्होंने भी पॉजिटिव रिव्यू देने शुरू कर दिए हैं भाई कि यस यार डंकी की जो स्टोरी लाइन है वो बहुत ही दमदार है। एज यूजुअल राजकुमार हिरानी जो ये जादूगर है, जैसे ये काम करता है अपनी बाकी की फिल्मों में, प्रीवियस फिल्मों में जैसे काम करते आया है, वही जादू हमें इस मूवी में भी देखने को मिला है। उसके बाद शाहरुख खान यार, इस बंदे को एक्शन मूवी में देख देख के मतलब आदत हो गई थी क्योंकि इस साल 2 ब्लॉकबस्टर एक्शन मूवी निकाली, तो वही कैरेक्टर डिजाइन था कि यार यहाँ पर कैसे हो सकता है, क्योंकि 0 का एक बार के लिए बउआ कैरेक्टर भी देखने को मिल रहा था, लेकिन भाई फाड़ के आया है। लोग पब्लिक रिव्यू में भी देख रहा था भाई, लोग ना पागल हुए पड़े हैं कि यार मूवी इतनी जल्दी ख़त्म क्यों हो गई। मूवी की स्टोरी बड़ी अच्छी है, मूवी की लेंथ है 2 घंटे 41 मिनट, लेकिन कब खत्म हुई पता भी नहीं चला। स्टार्ट से ही जब वो बैठे रहे, चिपके रहे, मतलब बिल्कुल कंटेंट एंगेजिंग कंटेंट है। उसके बाद बहुत सी चीज़ें हुई हैं, इमोशंस देन फन बहुत देखने को मिला है। तो राजकुमार हिरानी जैसा काम करते हैं, पब्लिक को इमोशनली भी डैमेज करते हैं, देन फन बीच बीच में ज़बरदस्त तरीके से घुसेड़ते भी हैं और बहुत अच्छा वैल्यूएबल लाइफ लेसन भी देते हैं। तो ये सारी चीज़ें सुन के देख के भाई एक्साइटमेंट लेवल अब यहाँ पहुँच चुका है जस्ट। तो अभी बात करेंगे कि भाई Day 1 के लिए एडवांस बुकिंग क्या रही है। भाई सॉलिड एडवांस बुकिंग रही है, खैर उतना जो है उम्मीद करी जा रही थी कि उतनी नहीं पहुंच पाई, लेकिन फिर भी देखा जाए तो बहुत ज़बरदस्त एडवांस बुकिंग रही है क्योंकि भाई मासी एक्शन मूवी सालार के लिए लोग वेट कर रहे हैं, लेकिन सालार के साथ जो कॉन्ट्रोवर्सी है वो अलग लेवल का चूतियापा है। लेकिन बात करते हैं कि भाई बुकिंग कितनी हुई है डंकी के लिए आज Day 1 की, तो बुकिंग आज 16 करोड़ की हो चुकी है Day 1 के लिए। भाई ओपनिंग सिर्फ बुकिंग 16 करोड़ की हुई है, लेकिन अभी ये फुल अपडेटेड नहीं है। सुबह 6-7 बजे तक ये जब अपडेटेड रिपोर्ट आएगी, क्योंकि ये रात के 12 या 1 बजे तक की ही रिपोर्ट है कल रात के, और फुल डे फुल नाइट क्या कहते हैं बुकिंग चली है। देन उसके बाद टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं, 5,70,000 देन शोज इसको मिले हैं सिर्फ हिंदी से, अदर लैंग्वेज से बिल्कुल नहीं मिले। हिंदी में डोमिनेंट मूवी है ये और डोमिनेट कर रही है। 15,000 के आसपास इसको शोज मिले हैं। और सिटीज़ की बात करें कहां कहां पर इसका डंका बज रहा है, भाई नेशनल कैपिटल रीजन में फाड़ के डंका बज रहा है। 2,29,00,000 की एडवांस बुकिंग वहां से ली है, मुंबई से 1,67,00,000, पुणे से 51,47,000, देन बेंगलुरु से 1,51,00,000, देन हैदराबाद से 1,29,00,000, देन कोलकाता से 1,26,00,000, अहमदाबाद से भी अच्छा रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है, खैर उतना फाड़ नहीं देखने को मिल रहा है, 25,41,000, देन चेन्नई, भाई चेन्नई से इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, मैं इस चीज़ को देख के दंग हूँ क्योंकि यहाँ पर चेन्नई में भाई सालार फाड़ के चल रही है। तो साउथ में जो जादू जवान और पठान के साथ बिखेरा था, खासकर जवान के साथ शाहरुख खान ने, वो जादू भाई अभी भी बिखरता हुआ नजर आ रहा है। चेन्नई से 28,86,000, देन जयपुर, जयपुर से इतना कम एक्सपेक्टेशन नहीं था, लेकिन फिर भी जयपुर से 25,57,000 भी, ये फुल अपडेटेड नहीं है, सुबह की जब अपडेटेड रिपोर्ट आएगी तो हो सकता है ये जो आंकड़ा 16 करोड़ देखने को मिल रहा है, हो सकता है ये 20 करोड़ भी देखने को मिल जाए। फिलहाल के लिए 16 करोड़ मान के चलते हैं, ये फाइनल रिपोर्ट है। देन नेशनल चेन्स की बात करें तो भाई नेशनल चेन्स कल रात तक की अपडेटेड है, 2,20,000 के आसपास टिकट सोल्ड आउट कर रखे हैं PVR INX एंड सिनेपॉलिस को मिला के, देन सम ऑफ प्लेस ऑफ मिराज सिनेमा एंड सिंगल स्क्रीन में, तो नेशनल चेन्स में भी तबाही चल रही है भाई। 2,20,000 ये भी कल रात तक की, जब अपडेटेड आ जाएगी तो हो सकता है ये जो आंकड़ा 2,20,000 देखने को मिल रहा है, मे भी 2,60,000-70,000 या हो सकता है 3,00,000 भी पहुंच जाए, क्योंकि नाइट में मूवी की एक दिन पहले से जो नाइट में बुकिंग चलती है वो भाई ताबड़तोड़ बुकिंग चलती है, जिसका कोई कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, उसके लिए पूरा पूरा दिन लग जाता है।
तो फिलहाल अभी के लिए यही रिपोर्ट आई है। देन भाई आज डे वन पर ये मूवी कमाई कितनी कर सकती है, फिलहाल के लिए ये 30 से 35 करोड़ का नेट इंडियन कलेक्शन इसमें आते नजर आ रहा है। तो हो सकता है वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ये मूवी ओवरसीज को मिला के, क्योंकि ओवरसीज से भी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, ओवरसीज को मिलाकर 70 या फिर 80 करोड़ के आसपास ये मूवी आज डे वन पर कमाई कर सकती है। लेकिन भाई साहब नेट इंडिया से आज 30 से 35 करोड़ या मे बी 40 करोड़ भी आ जाए, क्योंकि एडवांस बुकिंग की फाइनल रिपोर्ट अभी आई नहीं है। अब फाइनल रिपोर्ट जब एडवांस बुकिंग की आ जाएगी उसके बाद जो ऑन द स्पॉट पब्लिक जारी जो बुक कर रही है वो अलग है रुझान। तो सारे डेटा जब मिलेंगे, ऑफिशियल डेटा जब आएगा, तो हो सकता है ये 40 करोड़ भी हो जाए, लेकिन फिलहाल के लिए अर्ली एस्टिमेट है 30 से 35 करोड़। भाई एक्साइटमेंट बहुत ज़बरदस्त है मूवी देखने के लिए, रिव्यू बड़े पॉजिटिव आ रहे हैं, पब्लिक मतलब खोल के प्यार दे रही है। निकलते हैं उसका प्रॉपर रिव्यू एक नई वीडियो लेके आएंगे जब मैं मूवी देख लूंगा। मिलते अगले वीडियो में, जय हिंद।